नेक्स्ट टॉपिक हमारा चैप्टर नंबर 10 का टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर के बारे में अभी मैंने आप लोगों को बताया कि ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसा पाइप होता है जिसकी मदद से हम लाइट का सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करते हैं। हमने याद किया था कि ऑप्टिकल फाइबर के दो हिस्से होते हैं, इंटरनल पाइप को हम कोर कहते हैं और उससे जो बाहर वाली लेयर होती है उसको क्लैडिंग कहते हैं। और इंट्रो में ही बताया गया था कि कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो कम होता है। इस लिहाज से हम याद रखेंगे कि जो ऑप्टिकल फाइबर होते हैं उसमें से तीन टाइप हम डिस्कस करेंगे, मोनो मोड, स्टेप इंडेक्स, दूसरी इसकी टाइप है मल्टी मोड, स्टेप इंडेक्स, और तीसरी इसकी टाइप है मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स। मोनो मोड स्टेप इंडेक्स, मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स, अब इसको अगर हम लफ्जों को समझने की कोशिश करें, मिसाल के तौर पे हमारे पास ये ऑप्टिकल फाइबर है और ये सपोज दैट आप कह लें कि ये इसका कोर है और इसके ऊपर वाली जो लेयर है इसको हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास क्लैडिंग, और फर्क कर लें कि कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन वन है, क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन टू है, तो हमने अभी पढ़ा है कि एन वन ग्रेटर होगा किससे, एन टू से। अब अगर कोर और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने याद कर लिया कि एन वन और एन टू है, लेकिन अगर ऐसा है कि सारे कोर में जितना भी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सारे कोर का कांस्टेंट है और सारी क्लैडिंग का जितना भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सारी क्लैडिंग में कांस्टेंट रहे, तो ऐसे ऑप्टिकल फाइबर को कहा जाता है स्टेप इंडेक्स। अब जिस ऑप्टिकल फाइबर के नाम से साथ स्टेप इंडेक्स आएगा तो इसका मतलब ये होगा कि उसके कोर और क्लैडिंग का जितना भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो कांस्टेंट होता है। और अगर आपके नाम के साथ ये ग्रेडेड इंडेक्स आ रहा है तो ग्रेडेड इंडेक्स का मतलब ये होता है कि अगर आप बिल्कुल ऑप्टिकल फाइबर के सेंटर से शुरू हो जाए और आहिस्ता आहिस्ता किनारे की तरफ बढ़े तो आपको लगेगा कि जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दर्जा ब दर्जा कम हो रहा है, मतलब सारे कोर का भी कांस्टेंट नहीं होता, सेंटर पे ज्यादा और आहिस्ता आहिस्ता किनारे की तरफ जाने से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर कम होने लगे तो ऐसे ऑप्टिकल फाइबर को कहते हैं ग्रेडेड इंडेक्स। तो स्टेप इंडेक्स का मतलब अब आपने याद रखना है कि कोर और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना भी होगा कांस्टेंट होगा, और ग्रेडेड इंडेक्स से मुराद ये है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेंटर से शुरू करके बाउंड्री की तरफ जाए तो ग्रेजुअली कम हो रहा होता है। ये जो ग्रेडेड इंडेक्स होता है कहा जाता है इसके अंदर हम कोर और क्लैडिंग की बाउंड्री नहीं लगा सकते, हमें ये नहीं पता चल सकता कि कोर कहां खत्म हुआ है और क्लैडिंग कहां से शुरू हो गया है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका कम हो रहा होता है किनारे की तरफ आने से। फिर अगर दूसरे लफ्ज की बात करें मोनो मोड मल्टी मोड वगैरह, मोनो मोड से मुराद ये होता है कि ऐसा ऑप्टिकल फाइबर जिसके अंदर हम एट अ टाइम एक सिग्नल ट्रांसमिट करेंगे, और मल्टी मोड से मुराद ये होता है कि हम बहुत सारे सिग्नल इकट्ठे ट्रांसमिट कर देते हैं। तो अब अगर इसका मतलब ये हुआ कि मोनो मोड स्टेप इंडेक्स को अगर हम मिला के पढ़े तो इसका मतलब ये बना कि एक ऐसा ऑप्टिकल फाइबर जिसमें कोर और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट होगा, स्टेप इंडेक्स से हमें समझ आए, और मोनो मोड का मतलब यह है कि एट अ टाइम इसमें एक सिग्नल ट्रांसमिट करेंगे। ये वाला यूज किया जाता है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए, एक सिटी से दूसरे सिटी तक, एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक अगर आपने सिग्नल ट्रांसमिट करना है तो ये वाला मोनो मोड इस्तेमाल होता है। ये जो ग्रेडेड है, ये वाला दूसरे वाला जो है, ये हम शॉर्ट डिस्टेंस मतलब एक सिटी के अंदर आ गया, आगे सिटी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम ये वाला ऑप्टिकल फाइबर यूज करते हैं, और ये वाला जो मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स है ये आप कह सकते हैं कि इसकी लेटेस्ट टाइप है, ये शॉर्ट लॉन्ग दोनों रेंज पे इसे यूज किया जा सकता है। लेकिन इसमें से आप बोर्ड के लिहाज से बात करें तो ये जो मोनो मोड स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर होगा इसके बारे में आपकी टेक्स्ट बुक पे जितना पैराग्राफ लिखा हुआ है वो आप सारा याद करोगे, आपका इसका शॉर्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज में लिखा हुआ है इसलिए इसको सारा करना है, और इनके सिर्फ एमसीक्यू याद करने, मतलब एमसीक्यू में क्या याद करना है कि आप दोनों मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स में याद करोगे कोर का डायमीटर कितना है, आप इसमें याद करोगे कि कोर का डायमीटर कितना है, इस तरह के जो डाटा बेस एमसीक्यू होंगे वो आपने इस टॉपिक से याद कर लेने। तो ये इस टॉपिक से बनने वाला जो मोनो मोड स्टेप इंडेक्स है वो आप सारा और बाकी के बारे में एमसीक्यू आपने याद कर लेने हैं, और याद भी रखना है कि हमने तीन टाइप्स पढ़ी थी ऑप्टिकल फाइबर के लिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, हमने 10th क्लास में पढ़ा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन।
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब यहां पे आपने इसका इंट्रो इस सेंस में याद करना है कि अगर आपसे पूछे कि एक ऑप्टिकल फाइबर में से लाइट का सिग्नल जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट किया जाता है तो फिजिक्स का कौन सा असूल उसके पीछे चल रहा है, यानी ऑप्टिकल फाइबर में से सिग्नल हम किस प्रिंसिपल के तहत ट्रांसमिट करते हैं, तो आपने इस पे टिक लगाना कि हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मेथड यूज करते हैं। अब आपको याद होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए हमने बात की हुई है पहले भी, फर्क करें कि हमारे पास ये दो मीडियम है, ये ग्लास मीडियम आप इसको कह लें और ये आप कह लें हमारे पास एयर है, इस लिहाज से हमारे पास ये डेंसर मीडियम हो गया और ये जो मीडियम है ये रेयर मीडियम है। हम जानते हैं कि जब एक रे ऑफ लाइट एक डेंसर मीडियम से जाके बाउंड्री पे टकराए और रेयर मीडियम में दाखिल हो तो वो नॉर्मल से परे हट जाएगी। ये फिजिक्स का असूल है या रे ऑफ लाइट की नेचर है कि जब भी डेंसर से रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर में जाती है तो नॉर्मल से परे हट जाती है। लेकिन फिर आप एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस देखते हैं कि जब आपकी रे ऑफ लाइट 90 डिग्री पे रिफ्लेक्ट हो तो फिर हम कहते हैं कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बना इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। यहां हमने ये डेफिनेशन भी याद करनी है कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है, तो आपने कहना है कि वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसका एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन 90 डिग्री होगा, यानी एक ऐसा एंगल जिस पे जाके जब रे टकराएगी तो अगले मीडियम में जब रिफ्रेक्ट होगी तो एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन उसका 90 डिग्री बनेगा, तो ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। और इससे अगली बात यह है कि अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से भी बढ़ा दें तो फिर रे ऑफ लाइट अगले मीडियम में जाने की बजाय सारी उसी मीडियम में वापस आ जाती है, इसको कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम बात करें कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने की कितनी शर्तें हैं, तो दो शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर में जा रही हो और दूसरी शर्त यह है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। अगर ये दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं तो फिर रे ऑफ लाइट अगले मीडियम में जाने की बजाय सारी उसी मीडियम में रहेगी और इस अमल को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहा जाएगा। और अगर यहां एंगल ऑफ इंसिडेंस या क्रिटिकल एंगल वगैरह फाइंड करना चाहें तो एक लॉ अप्लाई किया जाता है कैलकुलेशन के लिए, उसे हम स्नेल्स लॉ कहते हैं। ये भी 10th क्लास में पढ़ाया जाता है, N1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू N2 साइन थीटा 2। अगर कोई कैलकुलेशन बेस्ड MCQ हमें सॉल्व करना पड़ा तो हम स्नेल्स लॉ का फार्मूला यूज करके हम बात करेंगे। आपकी टेक्स्ट बुक पे आपको याद करना होगा कि हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, शीशे का कितना और पानी का कितना है। ये आप लोगों ने अपनी टेक्स्ट बुक से पढ़ के हवा का, शीशे का और पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद कर लेना। और याद करना है कि ग्लास एयर बाउंड्री के लिए क्रिटिकल एंगल कितना होता है, ये भी आपकी टेक्स्ट बुक का एक MCQ है जो आपने बुक से पढ़ के याद करना है। फिर आगे उसने लिखा है कि जैसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मेथड यूज होता है ऐसे ही एक मेथड यूज होता है, उसको कहते हैं कंटिन्यूअस रिफ्रैक्शन। अभी कंटिन्यूअस रिफ्रैक्शन से मुराद, अभी थोड़ी देर पहले मैंने ऑप्टिकल फाइबर की एक टाइप बात की है जिसका नाम है ग्रेडेड इंडेक्स। ग्रेडेड इंडेक्स ये होता है कि अगर आपके बिल्कुल सेंटर पे देखें तो यहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और है, इससे ऊपर वाली लेयर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और होगा, उससे ऊपर और है, उससे ऊपर और, ऐसे हम देखें तो ग्रेजुअली जैसे जैसे हम बाउंड्री की तरफ जाएंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ये आस्ता आस्ता कम होगा। अब होता यह है कि अगर हम यहां पे लाइट का सिग्नल भेजें तो जब पहली लेयर से टकरा के वो अगले में जाता है तो नॉर्मल से थोड़ा परे हटता है, अगली लेयर में जाके टकराता है तो फिर और परे हट जाता है, और फिर तीसरी चौथी रिफ्लेक्शन के बाद जाके हम बात करें यहां से नॉर्मल से परे हटा, आगे चला गया ऊपर वाली लेयर में, उसने और परे हटाया, परे हटाते हटाते जब फर्क कहीं यहां तक आएगा ना तो एंगल ऑफ इंसिडेंस खुद ही क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो चुका होगा और अब की बार जब लाइट यहां जाके टकराएगी तो बाहर निकलने की बजाय वापस इस ऑप्टिकल फाइबर के अंदर ही रहेगी। यानी जनरली अगर बच्चे से बात करें ना, देखें या बच्चा सवाल करता है सर ये ऑप्टिकल फाइबर ना शीशे का बना होता है, शफाफ शीशा, अब शफाफ शीशे से तो रोशनी बाहर निकल आनी चाहिए लेकिन ऑप्टिकल फाइबर के अंदर से लाइट का सिग्नल आगे आगे क्यों चलता रहता है, शीशे से बाहर क्यों नहीं निकल आता, तो जवाब ये है दो फिनोमिना से लाइट का सिग्नल आगे चल रहा होता है, एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और दूसरा कंटिन्यूअस रिफ्लेक्शन। या आपकी एक्सरसाइज में सवाल लिखा है आपके लिए, एक शॉर्ट क्वेश्चन है, बताएंगे ऑप्टिकल फाइबर में से लाइट का सिग्नल किस किस मेथड से चलता है, तो आपने कहना दो मेथड से सर लाइट का सिग्नल आगे ट्रांसमिट हो रहा होता है, उसमें से एक का नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और दूसरे मेथड का नाम है कंटिन्यूअस रिफ्रैक्शन। दैट्स ऑल।